हेलो दोस्तों, माय नेम इज आकाश, वेलकम टू माय चैनल। भाई आपका स्वागत है आपके भाई के चैनल पे। भाई मतलब आप सब लोग ना यार थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको हाउ टू रिलीज क्लच परफेक्टली। हाउ टू रिलीज क्लच परफेक्टली। यार भाई मैं सीधा मुद्दे की बात करता हूँ वीडियो में, मैं इस तरीके से नहीं कहता हूँ भाई पहले ये करो और भाई मैं वहाँ से हूँ ये वहाँ से। भाई जो डायरेक्ट टॉपिक पे वीडियो हमारी, सीधा आप सिर्फ वही सुने वही जानकारी लें, क्योंकि यार टाइम की ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। ठीक है भाई, अब सबसे पहली बात हाउ टू रिलीज क्लच इन फर्स्ट गियर। भाई पहले गियर में आप क्लच को रिलीज कैसे करेंगे, मतलब वो लोग होते हैं ना दबा रखी है, रेस दे रहे हैं, उठाई गाड़ी बंद हो गई यार, गाड़ी गाड़ी बंद हो गई, एकदम ब्रेक मार दिए गाड़ी बंद, फिर दोबारा गया फर्स्ट गियर डाला, रेस दिए जा रहे हैं, रेस दिए जा रहे हैं। भाई क्लच इतना ही बस, क्लच नहीं छोड़ रहे, इतने हाफ क्लच पे उन्होंने पैर दबा रखा है। ठीक है भाई, रेस दिए जा रहे, घुर घुर कर रही है गाड़ी, घुर घुर गाड़ी बंद हो जाती है। भाई ये सब काम नहीं करने, मैं आपको परफेक्टली चीज़ बता देता हूँ आपको करना क्या है। आपको ये थ्री पैडल दिख रहे हैं ना, एक्सीलेटर ब्रेक क्लच। भाई लेफ्ट वाला पेयर आएगा हमारा क्लच पे, ये राइट वाला आएगा हमारा एक्सीलेटर पे, और ब्रेक के लिए तो आपको पता ही राइट से ही करना है। बहुत से लोग ऐसे, एक बात और बता देता हूँ, बहुत से लोग ऐसे भी हैं मतलब ये दोनों काम तो परफेक्ट कर रहे हैं वो अपने इन्हीं पैरों से, मगर जब ब्रेक की बारी आती है ना भाई तो वो ये कोशिश करते हैं कि हम लेफ्ट पैर से ही ब्रेकिंग का काम भी कर सकें, मगर भाई ये चीज़ पूरी गलत है। लेफ्ट पैर से आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ब्रेक, कहीं ना कहीं आपसे गलती होगी और भाई ये कहीं ना कहीं अच्छा भी नहीं है फर्स्ट। ठीक है भाई, मतलब ये जो ब्रेकिंग का सिस्टम है ना पूरा, ये आपको राइट पैर से ही करना है भाई, ये राइट से ही होगा ना तभी एकदम कंट्रोल और एकदम बहुत ज़्यादा अच्छे से हो पाता है, लेफ्ट से तो आप कोशिश ही ना करें, मेरी तो राय यही है। और भाई अब बता देता हूँ फर्स्ट गियर वाली बात, क्लच आपको कैसे रिलीज़ करनी है क्या करना है। हमने गियर डाला, फर्स्ट गियर डाला हमने, ठीक है भाई, हमने क्लच को प्रेस किया हुआ है, मैं आपको चला के तो नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ ऐसे ही बताऊँ क्योंकि गाड़ी ना मैंने पार्क की हुई है, अभी चलाने की कंडीशन में नहीं है। तो ये क्या करना है आपको, सबसे पहले आपने फर्स्ट गियर डाल दिया, क्लच आपने पूरा पुश किया हुआ है, तो भाई क्लच को ना धीरे से हल्का सा लेना है, जब आपकी गाड़ी आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाए, जब आपको लग रहा है ना आगे मेरी गाड़ी बढ़ रही है, एक्सीलेटर बहुत ही लाइट देना है, मतलब ना के बराबर एक्सीलेटर देना है आपको फर्स्ट गियर में, क्योंकि ज़्यादातर अगर आपकी पेट्रोल कार है तो भाई मैं डेफिनेटली आपको बता देता हूँ, अगर आपकी कोई भी कार है वो पेट्रोल वाली है तो मतलब फर्स्ट गियर में ना आप बिना रेस के भी क्लच से ही काम कर, गाड़ी भाई बिना रेस के भी क्लच पे उठ जाती है फर्स्ट गियर में, ज़्यादातर ऐसा होता है, मारुति सुजुकी की गाड़ियों में तो देखा भी जा चुका है और हर पेट्रोल की मैक्सिमम गाड़ियों में ऐसा होता है। और अगर ऐसा नहीं भी है तो मैं उनके लिए भी बता देता हूँ, फर्स्ट गियर डाला हुआ है, क्लच हमने बिल्कुल पुश किया हुआ, हमें रिलीज़ करना है, थोड़ा सा भाई हमने ये छोड़ा क्लच, हल्का सा एक्सीलेटर दबाया, जैसे हमारी गाड़ी आगे बढ़नी स्टार्ट हुई भाई क्लच आपको रिलीज़ कर देना है, पूरा पैर हटा लो आराम से गाड़ी चलेगी, फिर ये सेकेंड गियर मांगेगी, सेकेंड गियर पे भी आपको ये करना है। ठीक है भाई, गाड़ी बंद नहीं होगी, ये चीज़ आप करेंगे ना, ये आपने पुश कर लिया पूरा, धीरे से रिलीज़ किया, हल्का सा एक्सीलेटर ऐसे, अगर आपको दिख रहा हो साहब एक्सीलेटर हल्का सा दिया, ठीक है भाई गाड़ी आगे चलनी स्टार्ट हो गई, इतने पे हमारे हमने इतना क्लच पुश किया हुआ है, गाड़ी हमारी आगे चलनी स्टार्ट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, पूरा रिलीज़ कर देंगे धीरे से आराम से और अपना एक्सीलेटर देंगे, फिर सेकंड गियर करेंगे, क्लच पुश करेंगे, सेकंड गियर डालेंगे, हल्का सा बस रिलीज़ कर देंगे, तो भाई गाड़ी बंद ही नहीं होगी कभी, जो झटके ले लेके गाड़ी बंद होती है ना, हमने क्लच दबाया रेस दी गाड़ी ने एकदम झटके से लिए बंद हो गई, क्योंकि भाई वो क्लच का सही से यूज़ नहीं कर रहे हैं भाई, वो क्लच का पता है बस इतना रेस दिए जा रहे हैं, बहुत ही मतलब डर डर के छोड़, भाई डरना नहीं है, गाड़ी अगर आप चला रहे हो डरना नहीं है किसी भी जगह पे, किसी भी पॉइंट पे आपको डर, अगर आप डरोगे तो यार गलती होगी होगी भाई, बिना डरे काम करो। ठीक है भाई, और गाड़ी आपकी सही चलेगी, बंद नहीं होगी। और मैं आपको बता देता हूँ कार के अंदर क्लच का क्या काम होता है, कार के अंदर क्लच का सिर्फ एक ही काम होता है भाई, गियर डाला क्लच पुश किया, गियर डाला एक्सीलेटर दिया रिलीज कर दी, भाई बस इतना ही काम होता है क्लच का। ठीक है भाई, क्लच को ये नहीं कि आपने ये कर रखा है छोड़ ही नहीं रहे हो, यार पता नहीं कौन सा प्यार हो गया आपको भाई क्लच से, क्लच ही नहीं छोड़ रहे हो भाई आप, क्लच का इतना ही काम है भाई, आपने पुश किया गियर डाला आपने थोड़ा सा छोड़ा गाड़ी आगे बढ़नी स्टार्ट हुई, रिलीज़ कर दे क्लच को, अपना रेस पे काम कर रहे हैं, इस तरीके से होता है। जब भी आपको ब्रेकिंग लेने हैं भाई, क्लच को पुश किया हल्के हल्के से, ये ब्रेक आपने ऐसे दबा दिए भाई, मतलब नीड के अकॉर्डिंग दबाए जाते हैं, कभी ये ब्रेक भी एकदम ऐसे मार दो ऐसे करके तो भाई आपका सर भी जाके शीशे में लग जाएगा, तो ये काम नहीं करने बिल्कुल भी। ठीक है भाई, इस तरीके की हमारी वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक करना, चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना अपने भाई के चैनल को, और अगर आप किसी भी बारे में वीडियो चाहते हैं भाई कोई कमेंट में आप बता सकते हैं, कोई भी वीडियो अगर आपको चाहिए सजेशन है कोई तो भाई प्लीज़ अपने भाई को दें, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा।